का उपयोग पीएमजे लाभार्थियों और हितधारकों पीएमजे योजना में नामांकन और आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप आयुष्मान मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक लाभार्थी के रूप में आप इसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं। आयुष्मान मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर खोलें और आयुष्मान ऐप की खोज करने के लिए सर्च बार में आयुष्मान ऐप दर्ज करें। खोज परिणाम प्रदर्शित होते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने सही आयुष्मान ऐप का चयन किया है। यह वो आयुष्मान ऐप है जिसे आपको चुनना होगा। आप तीर या आरो आइकन पर क्लिक करके एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट की जांच भी कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप का चयन करें। अपने मोबाइल फोन पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन की प्रतिक्रिया को पूर्ण होने दें। एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन पूरी हो जाने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करें। आयुष्मान एप्लीकेशन खुल जाता है। शुरुआत में ही आपको NHA डेटा प्राइवेसी पॉलिसी पृष्ठ पर ले जाया जाता है। स्वीकार करने से पहले नीति दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाते हैं तो जारी रखने के लिए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको आयुष्मान ऐप पर ले जाया जाता है। अपनी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। इस वीडियो के लिए आइए हिंदी का चयन करें। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करें। यहाँ आयुष्मान लॉगिन पेज है। लाभार्थी के रूप में लॉगिन करने के लिए लाभार्थी का चयन करें। अपनी मोबाइल संख्या दर्ज करें। अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सफल सत्यापन पर हरा चिन्ह दिखाई देता है। प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। यदि आवश्यक हो तो आप 180 सेकंड के बाद पुनः OTP भेजे लिंक का उपयोग करके एक नए OTP के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। OTP डालने के बाद कैप्चा डालें। यदि आवश्यक हो तो आप रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करके नए कैप्चा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कैप्चा डालें। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लाभार्थी के रूप में लॉग इन करने के बाद आप लाभार्थी की खोज करें पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहां आप अपने या अपने परिवार के सदस्यों को खोज सकते हैं। इसके लिए अपना राज्य चुनें। लागू योजना का चयन करें। यहां हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का चयन किया है। चुनें कि आप किस आधार पर लाभार्थी की तलाश करना चाहते हैं। यहां हमने फैमिली आईडी का चयन किया है। फैमिली आईडी का चयन करने के बाद अपना जिला चुनें। और अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद खोजें बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन आपके परिवार आईडी से संबंधित लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करता है। जिन सदस्यों का EKYC लंबित है उन्हें नारंगी रंग से चिन्हित किया गया है। लाल रंग से चिन्हित सदस्यों का आधार लिंक नहीं है। हरे रंग में चिन्हित सदस्य पहले से ही स्वीकृत है और उनके पास आयुष्मान कार्ड है। अब हम इस वीडियो के अंत पर आ गए हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि आयुष्मान एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करें।
और फिर उस पर कैसे लॉगिन करें।